अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसका अगर हम देखें तो आइसोमरिज्म की टाइप्स होती हैं और फिर उसमें से एक टाइप है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पहले पढ़ा होगा कई बार वर्ड आइसोमरिज्म, उसमें क्या था कि सेम फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर होते थे, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं मेन, एक टाइप है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वो एटम्स की अरेंजमेंट का फर्क होता है, स्ट्रक्चर में फर्क होता है, जबकि स्टीरियो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होता है, बस उसका स्पेस में ओरिएंटेशन में फर्क होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो टाइप्स फर्दर बन सकती हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट्स कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, ठीक है। अब हम इन तमाम आइसोमर्स को क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, जिसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें आयोनाइजेशन में फर्क आ रहा होगा। तो कॉम्प्लेक्स ऐसे जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट हो किसके आइंस जब वो आयोनाइज हो। ये देखें, इस वाली चीज को बोलते होते हैं हम, उसका कौन सा इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते होते हैं। उसके रीजन ये होती है, यानी कि जब इसको हम डॉट्स की शक्ल में लिखते हैं ना, तो ये इंपेरिकल इसलिए होता है कि सॉल्ट्स हो गए, इनके जो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल सेम होते हैं। अब यहां पे अगर देखें तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला सेम है। अगर हम इसको फॉर्मूला को ड्रॉ करें तो इसके अंदर क्या होगा, कोबाल्ट अमोनिया कितने, चार, एक इसमें क्या है पड़ा NO2 और एक क्या है पड़ा Cl2, और यहां भी वही चीज है, चार अमोनिया है पड़े, दो Cl हैं और एक NO2 है, ठीक है। बस फर्क किस चीज का आ गया, आयोनाइजेशन में फर्क आ गया। कि ये देखें, यहां पे जब इसको आयोनाइज करेंगे तो एक नाइट्रेट आयन बनेगा यहाँ पे, नाइट्रो आयन, ठीक है। और यहां पे अगर देखेंगे तो वो क्या बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा। तो इधर जो है आयन्स में फर्क आ रहा है, ठीक है, आयोनाइजेशन के ऊपर जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें फर्क आ रहा है। तो इस तरह वाली आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे, हालांकि फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या फर्क में आ रहा है, यहाँ पे आइसोमरिज्म उसकी आयोनाइजेशन में फर्क आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड आइसोमरिज्म। इन दिस कॉम्प्लेक्सेस अगर क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम लिगेंड, स्ट्रक्चर जो होता है ना लिगेंड का वो डिफरेंट हो जाता है। लिगेंड भी सेम होगा लेकिन लिगेंड्स के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इसकी जो आइसोमरिज्म है ना मेन असल में ना लिगेंड के अंदर नजर आती है। ये देखें, जैसे यहाँ पे क्या है अपना 1,2-diamino-propane है। अब 1,2-diamino-propane के अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कैसे बनता है, ये प्रोपेन बना दिया, एक दो और तीन कार्बन, इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, वन और ये टू के ऊपर अमाइनो लगा दिया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट सिंबल के तौर पर जब लिखते हैं तो PN से रिप्रेजेंट करते होते हैं। दूसरा कौन सा लिगेंड, अब वही लिगेंड है डाई यानी के अमाइनो वाला है, लेकिन फर्क क्या है, 1,3-diamino है, ठीक है, 1,3-diamino प्रोपेन है। तो इसको इस सिंबल को कैसे TN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसका जो शॉर्ट सिंबल होते हैं जो लाइंस वाले, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ये नाइट्रोजन आ गया, ये इधर कार्बन CH2 CH और CH3, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। इधर अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, NH2 C, ये एक CH2, ये CH2 और ये CH2, यानी कि कार्बन नंबर 1, 2 और 3, उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुए हैं, ठीक है, अमाइनो ग्रुप के तौर पे। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा और ये इस जगह से ये क्या करेगा, अपना वो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, ये एग्जाम्पल हम ना लेते हैं, इसमें कोबाल्ट के साथ ये जो PN है वो अटैच किया हुआ है जबकि यहाँ पे TN अटैच किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, लिगेंड भी सेम है, बस लिगेंड का क्या है, लिगेंड में आइसोमर्स में फर्क आ रहा है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने उसके साथ PN अटैच करवाया है, कि कैसे यहाँ पे दो Cl आ गए और यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप वाला है यानी कि डायमाइन ये अटैच हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे। तो फर्क किस चीज का पड़ा, यहाँ पे लिगेंड की
आइसोमरिज्म का फर्क है। असल में आइसोमरिज्म किसकी वजह से हो रही है, लिगेंड के दो आइसोमर्स की वजह से, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला सेम है और लिगेंड भी सेम है, उसका नाम भी अगर हम यहां से नाम सिर्फ देखें डायमाइनोप्रोपेन, डायमाइनोप्रोपेन, बस फर्क किस चीज का है, 1-2 और इसमें 1-3 का। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वाटर के साथ रिलेट कर रही होगी। इन दिस कॉम्प्लेक्स हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफर इन द प्लेस ऑफ किसके, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कहां पे हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो सकता है या उसके आउटसाइड हो सकता है। वाटर जो है अगर वो बाहर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो वो कैसे एक्ट करेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, क्योंकि ये आयन तो नहीं होता ना स्टेबल करने के लिए, ये न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा अगर ये आउटसाइड द स्फीयर आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ये देखें जैसे एग्जाम्पल ये CrH2O6Cl3। अब यहाँ पे जो ये है, ये जो वाटर मौजूद है पड़ा, ये क्या होगा, अभी सारा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में है, लेकिन अब इसका दूसरा आइसोमर जो बनेगा वो इस तरह बन सकता है कि CrH2O5Cl और साथ क्या है पड़ा Cl3 यहाँ पे आ गया, ठीक है, Cl2 यहाँ पे आ गया और डॉट H2O। अब यहाँ पे क्या चीज में फर्क आ रहा है, यहाँ के जो हमारे पास Cl है वो एक क्या चला गया है, कोऑर्डिनेशन में चला गया है, और वाटर इसमें से क्या आ गया है, बाहर आ गया है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तीसरा इसी का आइसोमर बन सकता है CrH2O4Cl2 यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक Cl बाहर रह जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा इसके साथ, यहाँ पे भी वही चीज होगी कि वाटर दो मॉलिक्यूल बाहर आ गए हैं, ठीक है, ये चार यहाँ पे रह गए हैं तो दो यहाँ पे आ गए हैं। अब ये जो दो हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम करेंगे। अगर इसका कंबाइंड फॉर्मूला ड्रॉ करें तो H2O6 ही है, ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क किस चीज में आ रहा है, वाटर की लोकेशन का। दूसरी एग्जाम्पल इसके ऊपर बन सकती है, यहां पर भी अगर हम देखें तो किस तरह है पड़ा H2O और Cl में यहां पे भी क्या होगा, वाटर यहां मौजूद है, लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा, वाटर इस स्फीयर के बाहर होगा, तो ये अगर बाहर होगा तो ये डॉट H2O की फॉर्म में आएगा और एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। बाकी दोनों फार्मूला सेम है पड़े अगर हम इसके एम्पिरिकल को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंट इसके क्या होंगे, लिगेंड्स के एटम डिफरेंट होंगे जो अटैचमेंट साइट पे होंगे। मिसाल के तौर पे ये नाइट्रो एक ग्रुप है, इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो सकता है या ये इस ऑक्सीजन की वजह से अटैच हो सकते हैं। तो अगर ये इस तरह की फॉर्म में अटैच हो रहा है तो इसको नाइट्राइटो कहते हैं, और अगर इस तरह की फॉर्म में है तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो। ये थायोसाइनेट आयन है पड़ा, अगर इसको देखें तो इसके भी दो वेरिएंट हैं। अगर वो सल्फर की तरफ से अटैचमेंट शो करे तो इसको थायोसाइनेटो बोलेंगे, अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैच हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो थायोसाइनेटो। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये देखें यहाँ पे इसमें क्या है पड़ा, वो नाइट्राइटो के फॉर्म में अटैच है और यहाँ पे वो किसकी फॉर्म में अटैच है, नाइट्रो ग्रुप की फॉर्म में। सेम ऐसे यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में अटैच है, थायोसाइनेटो की फॉर्म में, और यहाँ पे आइसो थायोसाइनेट की फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आइसोमरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे अब वो जो मेटल है पड़ी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्क आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, और लिगेंड भी एक्सचेंज हो रहे होंगे, तो किस तरह है पड़ी, यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, 6 अमोनिया यहाँ पे लगे हुए हैं और 6 यहाँ पे थायोसाइनेट लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी इसकी एग्जाम्पल जब बनेगी तो इसमें क्या होगा, इधर से थायोसाइनेटो जो है वो कहाँ आ जाएंगे, इस स्फीयर में, और इधर से अमोनिया के दो मॉलिक्यूल इस स्फीयर में आ जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे दोनों तरफ एक्सचेंज हुआ है किसका, लिगेंड्स का। कंबाइंड फार्मूला होगा तो हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे इस तरह, तो वहां पे हमें पता चलेगा इसके दो आइसोमर्स बनते हैं। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्लैटिनम का।
प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स में देखें तो यहां पे भी वैसे ही नजर आ रहे हैं कि अमोनिया यहां पे चार है और यहां पे कितने हैं, सिक्स। अब यहां पे एक और चीज का फर्क नजर आएगा कि हमने कहा था ना लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, पहले जो लिगेंड एक्सचेंज हो रहे थे ना वहां पे ना मेटल का चार्ज में फर्क नहीं आ रहा था। ये देखें यहां पे, देखें यहां जो चार्ज है पड़ा वो कितना है पड़ा मेटल के ऊपर, पहले प्लस थ्री, इधर भी चार्ज क्या है पड़ा प्लस थ्री, ठीक है। यहां पे अगर बात करें तो यहां भी क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, प्लस थ्री का ही चार्ज आ रहा है। ये देखें पॉजिटिव बाहर है, दो नेगेटिव लिगेंड अंदर है जिन्होंने इसको बैलेंस किया हुआ, तो दो नेगेटिव और यहां पे क्रोमियम का तीन पॉजिटिव, दो नेगेटिव और तीन पॉजिटिव मिला के ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वाकई क्रोमियम पे यहां पे चार्ज क्या है, प्लस थ्री का है। सेम ऐसे यहां पे देखें तो इधर भी क्रोमियम पे चार्ज कितना पड़ा, प्लस थ्री का। कैसे प्लस थ्री है, ये नेगेटिव, चार नेगेटिव है और तीन पॉजिटिव, तो ओवरऑल एक नेगेटिव बाहर है। तो ये वो एग्जांपल है भाई जहां पे अभी चार्जेस में फर्क नहीं आया, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं आया। यहां पे जब वो लिगेंड एक्सचेंज होंगे तो फिर क्या होगा, उसके चार्जेस में फर्क आ रहा होगा। मिसाल के तौर पे यहां देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में जो वो प्लैटिनम है वो प्लस टू की स्टेट में है, और जबकि नीचे जब यहां पे वो लिगेंड एक्सचेंज हो गए हैं तो आप देखें प्लैटिनम कौन सी स्टेट में है, दो नेगेटिव और ये दो पॉजिटिव। दो पॉजिटिव कैसे आ रहा है कि इसके दो नेगेटिव के साथ अगर यहाँ पे चार पॉजिटिव होंगे तो ये प्लैटिनम दो से चार की तरफ चला गया। इस प्लैटिनम को देखते हैं, ये प्लैटिनम कितना है, पीटीसीएल सिक्स, छह नेगेटिव है और दो आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लैटिनम चार की स्टेट में है। और यहां नीचे आए तो यहां पे देखते हैं कितने अपने, चार नेगेटिव है और दो नेगेटिव इसके बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लैटिनम टू का है, ठीक है। तो यहां पे वो चार से दो में आ गया और यहां पे दो से चार की स्टेट में आ गया। तो ये दो एग्जांपल्स हैं बड़ी बहुत मशहूर सी कि जहां पे चार्ज में फर्क नहीं आता और दूसरे में चार्ज में भी फर्क आ जाता है, और वो है किस चीज की वजह से, एक्सचेंज बिटवीन टू लिगेंड, यानी कि स्फीयर के दरमियान में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के दरमियान में लिगेंड की एक्सचेंज की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद आइसोमरिज्म आती है, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमरिज्म। यहाँ पे ये होगा कि पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें ना कॉम्प्लेक्स के ना एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा वो, और स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है ना उसमें एक चीज में फर्क आ रहा होगा कि जो लिगेंड है ना वो या तो एक न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होंगे या दूसरे न्यूक्लियस के साथ आ जाएंगे, न्यूक्लियस में फर्क आ रहा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। अब ये कॉम्प्लेक्स की एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें यहाँ पे देखें ये एक मेटल न्यूक्लिया है, ये दूसरा। पहले केस में देखें तो इधर चार लिगेंड है और इधर कितने हैं, दो लिगेंड ये हैं और दो लिगेंड सीएल ये क्लोरो एम्ब्रे। इसी का दूसरा आइसोमर होगा जहां पे ये क्लोरो जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, किधर चला जाएगा, इस साइड पे चला जाएगा कुछ इस तरह, और एक अमोनिया किस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक सीएल और तीन अमोनिया, एक सीएल और तीन अमोनिया। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो आइसोमर है ये अनसिमेट्रिकल भी इसको बोलते होते हैं और इसको क्या बोलते होते हैं, सिमेट्रिकल आइसोमर भी बोलते होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। होप कि आपको ये तमाम टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इन सबको आपने नोट कर लेना है, नोट करके ये जो जितना भी है इसको सारा आपने ऐसा प्रिपेयर कर लेना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ेगी आइसोमर्स विद उनकी एग्जाम्पल। लेजेंड कॉलेज के पेज को भी आपने सब्सक्राइब करना है, उसके ऊपर इसी तरह के और आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है।